बैठिए, वो तरीका हुआ। यूपी में इस तरीके से समझाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता डीएम को, और नहीं समझने की सूरत में क्या करेंगे वो भी बता देते हैं। बिना किसी भूमिका के आप डरा सकते हैं। बैठिए सब लोग, यहीं बैठिए, वो तरीका हुआ। यूपी का नेता होना कितनी बड़ी बात है, ये एक वीडियो से समझा जा सकता है। वो भी अगर सत्ताधारी सपा के नेता हो तो फिर क्या कहने। डीएम के साथ हुए इस बहस को देखने के बाद ना तो कुछ बताने की जरूरत है और ना ही कुछ सुनने की। एक ही आवाज दफ्तर में गूंज रही थी, तनवीर खान की। जो उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ फोटो खिंचवाता हो, गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर घूमता हो, तो आदमी अपने आप को राजा समझने ही लगता है यूपी में। डीएम पुष्पा सिंह का दफ्तर है ये। अचानक से अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दंदनाते हुए घुसते हैं और डीएम को धमकी देने लगते हैं। कोई काम करवाना था लेकिन नियम और कायदे कानून से हटकर डीएम ने मना कर दिया, और जब डीएम ने मना कर दिया तो तनवीर खान की बोली गोली की तरह हो गई। इसलिए कर रहे थे, इतनी परेशान हो गई थी, कोई भी देखभाल नहीं, परेशान नहीं हो रही थी, वो हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि जो ऐसा है कि अभी हम इसको कागज ले जा रहे हैं, लेकिन वो एक बेचारा कागज था, उसको उन्होंने ये कह दिया कि चले जाओ। तनवीर खान की बातों से डीएम चिढ़ गई थी और वो उसकी पैरवी को लगातार अनसुना कर रही थी। तनवीर खान का गुस्सा भड़कता जा रहा था, समर्थकों से कहने लगे दफ्तर के अंदर ही धरने पर बैठ जाओ, डीएम का रास्ता रोक लो और जब तक काम नहीं होता दफ्तर का काम ठप कर दो। तनवीर खान की शहर में अपनी पहचान है लेकिन नाम से ज्यादा बदनाम है। पुष्पा सिंह से पहले डीएम विजय किरण आनंद हुआ करती थी, लेकिन तनवीर खान से विवाद हो गया, हफ्ते भर में उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन इस बार तो तनवीर खान डीएम से उनके दफ्तर में भिड़ गए और डीएम पुष्पा सिंह भी शांत हैं। इस विवाद से उनके दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। खान की जगह कोई और होता तो पुलिस कब का उसे सलाखों के पीछे भेज चुकी होती, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को समझाए कौन, और वो भी तब जब पार्टी सत्ता में हो। डीएम का इतना बेचारा चेहरा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।